उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बेरीनाग से खबर आ रही है, जहां के कांडे किरौली में बंदर ने एक 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, उसका कान काट कर अलग कर दिया। बच्चे को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। कई घटनाओं के बाद भी बंदरों के आतंक से यहां निजात दिलाने को कोई पहल नहीं होने से इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। कांडे किरौली के रहने वाले सुरेश सिंह कार्की का 4 साल का बेटा शिवांशु घर के पास खेल रहा था, तभी अचानक बंदर ने बच्चे पर हमला बोल दिया। बच्चे का बाया कान बंदर ने काट कर अलग कर दिया। बच्चे के शोर मचाने पर परिजन बाहर आए, लोगों ने डंडे फटकार कर बंदर को खदेड़ा। लोग लहूलुहान हालत में शिवांशु को एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। गांव के प्रधान प्रभा पंत ने बताया कि कांडे किरौली में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है। बंदर पहले भी कई महिलाओं और बुजुर्गों को घायल कर चुके हैं। बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग कई दफा की गई है। जल्द ही इस मामले में पहल नहीं की गई तो गाँव वाले आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। रिपोर्ट रायशुमारी।